तो फिर तो ऐसे देखो भाई कैसे स्किड कर गया, बट मैं चलूंगा ऐसे फुल स्पीड के साथ और कंट्रोल रहेगा पूरा हैंडल पे। तो हर बार मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत करता था अपने घर से या जहाँ पे ड्यूटी करता बात से करता हूँ, तो आज मैं नया कुछ नया ट्राई करने जा रहा हूँ। तो आज मैं कुछ आ रखा हूँ कुछ इस तरह की लोकेशन पे, तो मैंने सोचा आज की ब्लॉग की शुरुआत मैं करूँ नई जगह से। तो ये वाली जो लोकेशन है ये है धर्मण, आप देख सकते हो यहाँ पे ये लोकेशन धर्मण एंड यहाँ पे काफ़ी बड़ा मेला होता है, बट अभी मेला वगैरह नहीं है यहाँ पे और पता नहीं कब हो रखा है आई डोंट नो। बट आप देख सकते हो यहाँ पे घास ही घास लग रखी है एंड घोड़े वगैरह अपने घास वगैरह खा रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज ब्लॉग की शुरुआत इस जगह पे की जाए। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों, कैसे हो, आशा करता हूँ एकदम से बढ़िया होंगे। तो मेरी आज ड्यूटी का सीन नाइट है, नाइट ड्यूटी में मैं पूरा दिन घर में क्या करूँगा ये सोच के दिमाग ख़राब हो रखा था और मौसम भी देख सकते हो कैसे बादल बन रखे, कभी भी बारिश हो सकती है। तो मैंने सोचा अगर बारिश होगी फिर तो मैं अपने रूम पे क्या करूँगा पूरा दिन। तो फिर मैंने अपना कैमरा उठाया, हेलमेट उठाया और बाइक उठाई और निकला सीधा ब्लॉगिंग करने। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने सिस्टर के घर, अभी यहाँ से चलते हैं हम फुल पावर के साथ। तो यार अपने गोप्रो के साथ पता नहीं क्या सीन हो रखा है यार, बार बार हैंग मार जा रहा है कि जब भी मैं इसकी वीडियो को जब भी पॉज कर रहा था दोबारा वीडियो ऑन हो नहीं रही है, पता नहीं क्या सीन हो रहा है। और बार बार कैमरा जो है फॉरवर्ड रिकॉर्ड मांग रहा है, पता नहीं क्या सीन रखा है। अब मेरे को टेंशन हो ये रखे कि यार पता नहीं क्या हो रखे कैमरे को, अब रिपेयर होगा नहीं होगा, मेमोरी कार्ड नया पड़ेगा या बैटरी दोबारा नहीं पड़ेगी, ये कैमरा रिपेयर होगा, पता नहीं क्या सीन है। चलो एनीवे देखते हैं जहाँ तक वीडियो बन पाती है। तो यार अभी मैं हो रखा हूँ पूरा खज्जल कसम से यार, बस फिर भाई सीन हुआ वीडियो जैसे मैंने पॉज की उसके बाद मैंने अभी वीडियो देखना चाहा तो वीडियो नहीं चल रही है, कैमरे में चल नहीं रही है, वीडियो बन नहीं पा रही है, पता नहीं क्या सीन हो गया यार। आई थिंक मेरे को लग रहा है बैटरी का इशू होगा या फिर मेमोरी कार्ड का इशू होगा, इनमें दोनों में से कुछ होगा, क्योंकि कैमरा तो बिल्कुल ओके है, मैंने इसको अपनी जान से ज़्यादा संभाल के रखता हूँ, कैमरे को बिल्कुल सेफ्टी के साथ रखता हूँ। तो अभी मैं ऐसा करता हूँ कि वीडियो को पॉज नहीं करता हूँ एंड वीडियो को कंटिन्यू चलाई छोड़ता हूँ, फिर देखता हूँ घर में जाके सिस्टर के घर कि वीडियो का सीन क्या हुआ है। चलो यार यहाँ से फुल पावर। तो आगे आ रखा है समंदर, बाढ़ आ रखी है वो सिट ऐसा, ये तो रीजन है यार कि सिस्टर के घर में बहुत ही कम जाता हूँ क्योंकि यहाँ का रोड जो है बिल्कुल बेकार है, और अगर नई नई बाइक लियो भी तो वो मेरे कहते यार पूरी खड़क जाएगी। देखो गाइस देखो रोड की हालत देखो, अभी हमारा ऑफ रोडिंग हो रखा है यहाँ से शुरू एंड मैक्सिमम बंदे गिरते ऐसे कि बाइक को बिल्कुल स्लो स्लो चलाते हैं तो बाइक स्किड होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अभी देखो कितने बड़े बड़े पत्थर रखे हैं एंड पूरा रोड हो रखा ख़राब, तो मैं बाइक को फर्स्ट गियर करूँगा एंड बाइक को खड़ा नहीं करूँगा, एक्सीलेटर फुल थ्रॉटल के साथ चलूँगा, अगर मैं धीरे धीरे चला ऐसे ऐसे तो फिर तो ऐसे देखो बाइक कैसे स्किड कर रही है, बट मैं चलूँगा ऐसे फुल स्पीड के साथ और कंट्रोल रहेगा पूरा हैंडल पे। अभी मैं पहुंच चुका सिस्टर के घर एंड पहले यार कैमरे को देखता हूँ जाके कैमरा वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, पता नहीं क्या सीन हो रखा है आई डोंट नो। तो भाई सुबह से हम राखी पैक कर रहे हैं एंड वो ही सिस्टर एंड जय चले गए बाहर क्योंकि वो भी काफ़ी थक चुके हैं एंड पूरा देख ही सकते कितना खिलाड़ा डाल रखा है यहाँ पे एंड मूवी देख रहे हैं साथ साथ में रेड मूवी लगी हुई है। तो अभी चलते हैं हम बाहर क्योंकि थोड़ा यार टांगों में रिलैक्स कर लेते हैं, काफ़ी दर्द हो रही है यार टांगों में, चले। तो ये रहे मुर्गे छोड़ रखे इन्होंने, बट मुर्गे यार एक ही नुकसान करे कि देखो खा पी के बाहर आ रहे हैं एंड बीट वगैरह यहाँ पे कर रहे हैं बरामदे में, तो काफ़ी यार गंदा कर रखा बरामदा इन्होंने। तो कमल चला गया ऊपर जंगल में घूमने फिरने डॉग्स को लेके, तो मैं भी उसके पीछे पीछे जा रहा हूँ डॉग्स को ढूंढने, बट वो बहुत ही देर से गया था, मैं यहाँ पर था उसने बोला मेरे को जाने के लिए बट मैं जा नहीं पाया क्योंकि राखी पैक कर रहा था, मैंने सोचा जितने जल्दी जितना काम जल्दी हो जाए उतना ठीक रहता है, बट अभी काम ख़त्म नहीं हो और मैं जा रहा हूँ घूमने फिरने क्योंकि यार टांगे दर्द करने लग पड़ी हैं। तो चलते हैं एंड उसको ढूंढते हैं कहाँ गया वो। तो उसको ढूंढता मैं पहुँच गया हूँ कुछ इस तरह की लोकेशन पर एंड देख सकते हो वो रहा कमल सामने ऊपर चढ़ाई पर चढ़ रखा है टोपे
एंड मैं तो नहीं जाने वाला इतनी चढ़ाई कैसे चढ़ूंगा। एंड यही किसी के साइकिल, तो मैंने तो सोचा ये कमल की साइकिल होगी, बट कमल की साइकिल नहीं है, किसी गांव के लड़के की साइकिल है, बट ये भी मस्त लग रही है देखने में, हीरो की साइकिल है। तो अभी मैंने कमल को आज लगाई कि जल्दी से नीचे एंड यहाँ पे बाइक पे बर्नआउट मारते हैं। तो अभी मैं आ चुका हूँ कुछ इस तरह की जगह पे, यहाँ पे मेरे को आना इसलिए सेफ लगा क्योंकि यहाँ पे घर वगैरह थोड़ा दूर है एंड वहाँ पे बर्नआउट मारता तो काफ़ी शोर शराबा होता, तो कुछ भी सीन हो सकता, मतलब गुस्सा करते घर वाले कि यहाँ पे बर्नआउट वगैरह मारा है। तो यहाँ पे फुल पावर के साथ बर्नआउट मारते हैं एंड देखते हैं कैसी रहता है। एंड कमल को मैं अपने साथ ले आऊँ ताकि वो वीडियो कैप्चर कर सके। तो यहाँ पे आ जाओ जल्दी, खूब बर्नआउट मारा है एंड देख ही सकते क्या हाल हो रखा है यार इस रास्ते का। एंड बाइक को लगाता हूँ मैं साइड पे, तो यार देख ही सकते हो कितना यार रबड़ निकल गया इसका, बताओ। एंड टायर की कंडीशन बताता हूँ, टायर की कंडीशन कैसी रखी है, तो टायर यार पूरा घिस चुका है, देख सकते हो गाइस कैसे लाइन पड़ गई, बिल्कुल ब्लैक हो पड़ा है। तो कुछ नहीं, मैं बर्नआउट इसलिए मारा था क्योंकि आपको पता ही मैं नया टायर ले आया हूँ एंड उसको करना हमने इंस्टॉल, तो इंस्टॉल करने से पहले हम खूब बर्नआउट मारेंगे एंड रोड का हाल देख सकते कैसे घिस गया पूरा रोड, तो बिल्कुल वाइट हो रखा है। कोई सीन नहीं, जब बर्नआउट करेंगे तो ऐसा वैसा सीन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो अभी चलते हैं हम घर एंड वहाँ पे वीडियो वगैरह शूट करते हैं। तो एक आज बर्नआउट आप भी मारोगे, बिल्ली मारोगे बर्नआउट बिल्ली, तो कमल भी बोल रहा मैं भी अपनी साइकिल पर बिल्ली मारता हूँ, तो मैं बाइक करता हूँ साइड में एंड उसकी बिल्ली वगैरह चेक करते हैं। तो गाइस अब ये मार रखा है घर एंड वो रही बाइक, इसको मैंने साइड में लगा रखा है एंड डॉग देखो एक बार डॉग के पास जाते हैं क्योंकि डॉग मेरे को बहुत ही क्यूट लग रही है एंड देखो कैसे आ रहा है। ये सोचा है कुछ खाने के लिए ले गया है इसके लिए, एक ही वो है एंड इसके पीछे घुसा है, कैमरे को ना खा ले डर ही लग रहा है। तो अब ये चलते हैं अंदर क्योंकि अंदर राखी वगैरह पैक हो रही है, तो लेट्स गो। सो ये रही राखी पैक हो रही है, अभी काम बहुत है ज़्यादा करने को, तो सारी पैक करेंगे देखो। एंड कमल से पूछते हैं यार आज बिल्ली क्यों नहीं मरुई, क्यों नहीं बिल्ली मरुई, दिन मारे चले ना मजे मन लिया कर ठीक है ना। बात ऐसी कि पिछली वीडियो में मैं बात ऐसी कि एक बार मैं आया था तो इसको मैंने अपना कैमरा दिया था, मैंने बोला कि अपनी वीडियो शूट कर ले, तो बंदा बिल्ली मारने गया था एंड पहाड़ी भाषा में कुछ बोल गया था कि बिल्ली नहीं मरुई, ऐसे बोला था कि बिल्ली नहीं उठी या बिल्ली नहीं बजी, बट इसने बोला कि बिल्ली नहीं मरुई एंड इसको एक बार फिर पूछते हैं। देखो बंदा यार कैसे नाराज हो रहा है, एक बार बोला आज बिल्ली क्यों नहीं मरुई, मरुएगी ये पंचर यार कहाँ लेके जा रहा है इसको, तो बंदे को आ रखा है गुस्सा एंड पंप लेके हवा भरने लग पड़ा है बंदा। तो बताओ ना बिल्ली क्यों नहीं मरुई आज, बोलो बिल्ली मार दूंगा आप मुझे क्या दोगे, बिल्ली मार देगा हाँ। उस दिन कैसे बोला कि बिल्ली नहीं मरुई, बोलो उस दिन एक्सपीरियंस नहीं था बोलने का, एक्सपीरियंस नहीं था बोलने का, आप ही बोलते थे ना पहले। तो बंदे का एक्सपीरियंस नहीं है, एक बात यार मानने वाली कि अपनी भाषा जो भी हो, हिंदी हो पहाड़ी हो गुजराती हो मराठी हो कोई भाषा हो, अपने मुँह पे आ जाती जितने मर्जी आप अपनी भाषा को ना बोलने की कोशिश करें, बट कुछ लफ्ज ऐसे होते हैं वो अपने आप ही हमारी जुबान पे आ जाते हैं। तो उस दिन भी ऐसे बोला कि बिल्ली नहीं मरुई, ठीक है यही बोला था ना उन्होंने, तो कोई बात नहीं यार हो जाता है कभी कभार ऐसा, मैक्सिमम मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, जब भी मैं मोटो ब्लॉगिंग करने जाता तो कुछ लफ्ज ऐसे होते पहाड़ी वाले वो अब हमारे मुँह पे आ ही जाते हैं यार, कोई सी नहीं टेंशन लेने का टेंशन देने का ओके। तो अभी ये भर रहा अपनी साइकिल में हवा, ये इसकी नहीं साइकिल के राज की है एंड वो रही इसकी हाँ जी। तो अभी अंदर कॉल भी रखा पता नहीं किसका, फोन देना फोन ले लो आप ले लो।
अभी काम करने को बहुत है, देखते कब तक फ्री हो पाते हैं। एंड मैं यहाँ से निकलूंगा जल्दी, क्योंकि पिछली बार भी यहाँ से गया था काफ़ी अंधेरा हो गया था और राइड करने में मेरे को थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी। बट अभी मैं चल जाऊँगा यहाँ से 7-7:30 के करीब चला जाऊँगा। तो हम राखी इसलिए पैक करें क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं ऐसा जो गुच्छा मुच्छा हुआ पड़ा है, ये देखने में अच्छा लग रहा है। जैसे हम इसको एक एक करके निकाल रहे हैं और इनमें ऐसे हम पैकिंग करें तो देखो कितने सुंदर लग रहे हैं देखने में, एंड सेल करने में भी मज़ा आएगा। और ऐसे पड़े तो ग्राहक भी देखेगा, कस्टमर भी देखेगा कि यार कैसी ऐसे उलझन भरी राखियाँ लगा रखी है। तो उनका रेट वगैरह हमें प्राइस वगैरह अच्छा मिलेगा नहीं, और जैसे हम पैकिंग करें तो हमें प्राइस भी इसका परफेक्ट मिलेगा, नंबर वन मिलेगा। तो हम इन सभी को पैकिंग करके धीरे धीरे, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं यहाँ पर रुक सकूँ, मेरी ड्यूटी भी है नाइट, तो मैंने नाइट ड्यूटी भी जाना है। तो मैं ऐसे 7-7:30 के करीब निकल जाऊंगा। एंड कमल कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है बोलो, बिल्ली बिल्ली मुरुई मुरू गई बिल्ली। तो चलो एक बार फिर ट्राई करने जा रहा है कमल, एंड देखते हैं अगर बिल्ली मार पाए तो ठीक है, नहीं मार पाए तो इसको फिर छोड़ देंगे, इसको फिर हम बोलेंगे बिल्ली नहीं मुरुई। कमल गया है साइकिल को मोड़ने, एंड देखते हैं बिल्ली मुरुती है कि नहीं मुरुती है। चल 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 हो जा शुरू। यही तो सीन होना था, यही गिरने से बच गए बाल बाल, यार बताओ बार मानेगा नहीं लड़का। देखो बिल्ली अच्छी मरू गई थी अब इसकी। सॉरी फिलहाल इसने बिल्ली मालिक, क्योंकि इसको ट्राई करता था एक्सपीरियंस भी है थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं बोल सकता बट थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है जरूर इसको। एंड अभी बिल्ली इसने थोड़ी सी अच्छी उठा दी थी। चलो चलते हैं अंदर। तो अभी टाइम हो रखा है 7:30, यहाँ से निकले तो ड्यूटी को, बिकॉज यार अंधेरा काफ़ी होने वाला है। एंड आपको पता ही है यार रोड यहाँ पे बिल्कुल डेंजरस भरे हैं, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। पिछली बार भी यार मैं कम से कम 9:30 बजे गया था शाम को, एंड हल्की हल्की बारिश भी लगी थी और ऊपर से अंधेरा भी काफ़ी हो रखा था, तो बाइक राइड करने में मेरे को काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो इस बार मैंने सोचा कि जल्दी निकले तो यहाँ से अभी मैं आ चुका हूँ मेन हाईवे पे, और आपको पता ही यार मेन हाईवे पे राइड करने का ही मज़ा कुछ और है यार, क्योंकि यार रोड बिल्कुल खाली होता है एंड बिल्कुल खड्डे वगैरह होते हैं, बिल्कुल प्लेन रोड होता है। और बाइक को यार जितना मर्जी घुमा लो जितना मर्जी भगा लो यार मज़ा आ जाता है बाइक भगाने का। अभी मैं राइड कर रहा हूँ तो राइड करने का मेरे को एक ही प्रॉब्लम आ रही है राइड करने में, वो है अंधेरा, क्योंकि वाइजर मैंने बंद कर रखा है और वाइजर भी पूरा इसका ब्लैक है। तो गाइस अंधेरा काफ़ी हो रखा है, आप देख सकते हो ट्रक वगैरह जो भी गाड़ी वगैरह उन्होंने लाइट फुल जगा के रखी हुई है। मैंने वाइजर को रखा है ओपन, तो शायद आपको विंडो तो काफ़ी आ रही होगी। तो ठीक है मैं आपको सीधा अपने रूम के बाहर मिलता हूँ। तो फाइनली गाइस मैं पहुँच चुका हूँ अपने रूम पे, तो सारे बंदे ड्यूटी जा रखे हैं, आप देख सकते हैं कोई भी यहाँ पे है नहीं इस टाइम। तो ठीक है आज की वीडियो को मैं यहीं एंड कर लेता हूँ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करना लाइक शेयर कमेंट, और आपने तो मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब करना, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक वॉच करें, टेक केयर, सेफ रहें, शेयर करें, अपने ख्याल रखें एंड अपने घर वालों का भी ख्याल रखें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।